हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। अभी हम एक देखते हैं, पेपल का एक प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले अगर हम कहीं भी पैसा भेजते हैं ऑनलाइन पेपल के थ्रू, तो क्या होता है, पैसा हमारा होल्ड हो जाता है। अगर मतलब हम क्या करते हैं, किसी भी कस्टमर को पे करते हैं तो पैसा हमारा होल्ड आ जाता है, होल्ड मनी का प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने ये पेमेंट किया था आज सुबह, तो ये देखो होल्ड पे हो गया, ये पेमेंट जो है हमारे अकाउंट में पहुंचा नहीं है। ठीक है, ओके, जो हमारा डीलर है डीलर के अकाउंट में पहुंचा नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है हैव यू रिसीव द ऑर्डर। ठीक है, मींस क्या होगा, ये रिसीव ऑर्डर, ऑर्डर एक रिसीव होता है। ऑर्डर रिसीव होने के बाद देखो यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है ऑन होल्ड, मींस क्या है, ये पैसा होल्ड है। अगर हम क्या करते हैं, फॉरेन से किसी का अभी सामान हम मंगाते हैं, तो क्या होता है, 2 से 3 दिन लगता है आने में। तो 2 से 3 दिन लगने में, जब तक वो हमें बंदा जिसमें जिसको हमने पेमेंट किया वो हमें शिपमेंट ऑर्डर नहीं दे देता, तब तक ये मनी होल्ड पे रहती है। तो ये मनी कितने दिन के लिए होल्ड पे रहती है, देखो यहाँ पे दिखा है रिसीव योर ऑर्डर, क्या मीन्स क्या है, यू कैन कंफर्म द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर आफ्टर 48 आवर। मीन्स इसको क्या होगा, जब हम हमें रिसिप्ट मिल जाएगी ऑर्डर की, तो उसके बाद हम 48 घंटे बाद यहाँ से पेमेंट कंफर्म करेंगे, तब जाके उस हमारे जो जो हमारा डीलर है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। एक ये बहुत बड़ा मेरिट है पेपल का कि इससे हम फ्रॉड से बच सकते हैं। जैसे मान लो हमने पेमेंट कर दिया और वो बंदा हमसे फ्रॉड कर रहा है, उसने हमें शिपिंग डिटेल नहीं दी और उसने क्या किया है, ऑर्डर ऑर्डर नहीं शिप किया है, तो हम अपना पैसा वापस ले सकते हैं, ये 21 दिन में वापस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उस आपका ऑर्डर रिसीव हो गया या फिर आपको शिपमेंट मिल गया, तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं 48 घंटे बाद। अब देखते हैं कि कैसे कंफर्म करते हैं इसको। तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसा भी ऐसा होता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो 21 दिन में आपका पैसा वापस आ जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत पैनिक होने की बात नहीं है, थोड़ा सा पैसा होल्ड हो जाता है कुछ दिन के लिए, बस 48 घंटे के लिए होल्ड रहता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम जाएंगे और डैशबोर्ड में जाएंगे। ओके, यहाँ से हम डैशबोर्ड में जाएंगे और डैशबोर्ड में हमने क्या किया था, यहाँ पे एक पेमेंट किया था कल, कल 48 घंटे हो चुके हैं, जैसे हमने ये पेमेंट किया था, नीचे जाते हैं, एक पेमेंट हमने किया था उसको हम दिखाते हैं, जिसको हमने कल किया था, लेकिन 48 घंटे हो गए। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, उसको पेमेंट को जैसे हम कंफर्म करेंगे, तो हमारे जो डीलर है उसके अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा। जैसे कि ये वाला है, 2 फरवरी को मैंने किया था, आज 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 कितना है, 4 फरवरी है। ठीक है, 48 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे मनी रिसीव, देखो यहाँ पे क्या हैव रिसीव योर ऑर्डर, तो यहाँ पे देखो कंफर्म रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम कंफर्म रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंफर्म हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा और हमारे डीलर के अकाउंट पे ये पैसा पहुंच जाएगा। जो जो मनी होल्ड पे थी वो क्या होगा, कुछ देर में पहुंच जाएगा। देखो अभी भी स्टेटस ऑन होल्ड दिखा रहा है, लेकिन ये कुछ देर में पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा और उसकी तरफ से आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिख रहा है थैंक्स फॉर कंफर्मिंग यू हैव रिसीव दिस ऑर्डर। तो अगर डीलर में दिक्कत आ रही है, तो डीलर अपने सेलर कस्टमर से संपर्क करें, और अगर कस्टमर को कोई दिक्कत है तो अपने डीलर से संपर्क करें, इसमें कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं होता है, ये सॉल्व हो जाता है। ओके, अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।